मत छेड़ो भारतीय फौजियों को, मत छेड़ो भारतीय फौजियों को, वरना लड़ना मुश्किल होगा। और ये लिखेंगे ऐसा इतिहास कि चीनियों तुम्हारे बाप को भी पढ़ना मुश्किल होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं रजत सिंह शेखावत स्वागत करता हूँ आप सभी का सत्याधि शर्मा क्लासेस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हमारे भारतीय जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, और पूरे देश का साथ उन फौजी भाइयों के घर परिवार के साथ है। भगवान उनको अपने से शरणों में स्थान दे। और आप सभी से एक निवेदन है कि जो आपके दिमाग में भरा है कि क्या होगा चीनी ऐप्स का या चीनी सामानों का बहिष्कार करने से, तो दोस्तों आप सब जानते हैं, आप परिपक्व हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर में यदि कोई हजारों या लाखों रुपए का कोई चीनी सामान है तो उसे आज ही आप फेंक दें। आपके पास मोबाइल भी है, मेरे पास भी है। हम नहीं कहते कि इन चीज़ों का हम बहिष्कार करने के तौर पर इन्हें आज ही उठाकर फेंक दें, इसमें हमारी मेहनत का पैसा है। हाँ, पर ये जरूर कर सकते हैं कि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही वस्तु खरीदने जाएं तो उसका बहिष्कार करते हैं, उसका हम कोई विकल्प तलाशें। और अभी क्या करें, तो अभी आपके जो मोबाइल में चीनी ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं इन्हें तो आप हटा सकते हैं कम से कम। वरना दोस्तों बुरा मत मानना, हम कहते जरूर है, चिल्लाते हैं, हम स्टेटस पे श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सही मायनों में हम बंधे हुए हैं, हम निर्भर हैं चाइना पर। समझ में आ रहा है? तो आप सभी से निवेदन है कि देश हित में कार्य करें। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये सब आप जानते हैं, समझते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि इसका बहिष्कार जितने जल्दी हो सके करें। अगर आपके किसी ऐसे काम से दूसरा देश फल फूल रहा है तो लानत है फिर हमें ऐसे काम करने पर और ऐसे ऐप्स या कोई भी यंत्र चलाने पर। समझ में आ रहा है? मैंने ये नहीं कहा है कि आप अपना मोबाइल फेंक दें, मैंने ये कहा है कि मोबाइल में जो चीनी वस्तुएं हैं, जो चीनी ऐप्स हैं, उनका बहिष्कार करें, और फोन का भी बहिष्कार तब करें जब दोबारा आप खरीदने जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज जिसमें मैं जिलेवार अध्ययन करवा रहा हूँ, अब हम पढ़ रहे हैं इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में हम खंडवा जिला, खरगोन जिला, बुरहानपुर जिला पढ़ चुके हैं। आज बारी है एक और आदिवासी जिला और महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला जिला, जिला है बड़वानी। एक कमेंट्स आया था स्टूडेंट का कि सर नक्शे के पास आप नाम लिख दिया करें जिले का, ताकि स्क्रीनशॉट में हमें दिखे। तो मेरे दोस्त, ये नाम मैंने लिख दिया है, जब भी आप स्क्रीनशॉट लोगे आपको दिखेगा कि बड़वानी जिले के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के नक्शे में बड़वानी जिले की स्थिति देखिए सबसे अंत में दिख रहा है। सबसे अंत का मतलब यह है कि दक्षिण में, ऐसा नहीं है कि ये दक्षिण का सबसे अंतिम जिला है, वो तो ये बुरहानपुर है। ये है बड़वानी जिला, जहां पर मैंने ब्लू मार्क करके रखा है, ये बड़वानी जिला है। और बड़वानी जिले के जो इस साइड दिख रहा है वो होगा अलीराजपुर जिला। बड़वानी के ऊपर जो है वो है धार जिला। बड़वानी की जो साइड में है वो खरगोन जिला। मतलब मेरे दोस्त, बड़वानी जिले की बात करें तो बड़वानी जिले मध्य प्रदेश के ही उत्तर की ओर धार जिले को, और देखे तो उत्तर पश्चिम की ओर अलीराजपुर जिले को, और देखे जाए तो पूर्व की ओर खरगोन जिले को स्पर्श करता है, और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगती है। और महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार और धुले जिले को बड़वानी जिले की सीमा स्पर्श करती है। बड़वानी जिला एक आदिवासी जिला है, आदिवासी बहुल जिला है। इस बड़वानी जिले की बात करें तो ये बड़वानी जिले का एक नक्शा आप देख रहे हैं। इस नक्शे में समझिए, पिछली बार समस्या आई थी कि मैंने खरगोन जिले में गोगांव तहसील का नाम नहीं लिया था, बाकी वो था, तो लोग उसमें भी कंफ्यूज थे। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस बार ये भी लिख दिया है कि इसमें 9 तहसील है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा देख लिया करें, आप थोड़ा सा अच्छे से रीड करा करें उसे। आप ये 9 तहसील कौन कौन सी, एक है पाटी, एक है बड़वानी, अंजड़, ठीकरी, राजपुर, पानसेलम, निवाली, सेंधवा और वरला। इसमें से कुछ तहसीलों के नाम जो बड़वानी के नहीं है उन्होंने बहुत अच्छे से सुन रखे हैं, जैसे कि राजपुर हुआ, सेंधवा हुआ, अंजड़ हुआ, ठीक है ना। बाकी पानसेलम, निवाली, ये ठीकरी, इनके नाम कम ही लोगों को पता होता है। बड़वानी जिले में 9 तहसील है। बड़वानी जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। बड़वानी जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र वाला जिला है। समझ में आ रहा है? उन 9 तहसीलों के साथ देखे तो महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। अब हमेशा याद रखना, ये जो बड़वानी जिला है ये सतपुड़ा श्रेणी में आता है। ये देखिए आप, ये सतपुड़ा रेंज जो है, सतपुड़ा रेंज चलेगी तो सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत
आता है। तो इस सतपुड़ा रेंज में अगर मैं कहूं कि बड़वानी के दक्षिण में, बड़वानी के दक्षिण में, तो याद रखना बड़वानी के दक्षिण में है सतपुड़ा। क्या है मेरे दोस्त? बड़वानी के दक्षिण में है सतपुड़ा और उत्तर में है विंध्य श्रेणी। बस ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है स्थिति के आधार पर कि बड़वानी जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्य श्रेणी अवस्थित है। इन दोनों के बीच में बड़वानी जिला आता है। ठीक है, अब यहां से देखिए जो क्षेत्र दिख रहा है नक्शे में, ये उत्तर प्रदेश का है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आइए बड़वानी जिले की सामान्य जानकारियों पर। 25 मई 1998 25 मई 1998 को बड़वानी जिले का गठन हुआ था। याद रखना मेरे दोस्त, ये बड़वानी जिला निमाड़ का अर्थात पश्चिमी निमाड़ ही है और ये खरगोन से अलग हुआ है। ये जो दिख रहा है ना के लिखा है मैंने, ये के मतलब खरगोन है और ये बी मतलब बड़वानी है। खरगोन से बड़वानी अलग हुआ। तो खरगोन का गठन तो 1956 में हुआ था, लेकिन बड़वानी का गठन जो था वो 25 मई 1998 को किया गया था। याद आ रहा है आपको, बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर इसे गठित किया गया था खरगोन से अलग करके। एसआर का मतलब होता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो अर्थात लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब प्रति हजार बालकों में बालिकाओं का नंबर क्या है, पैदावार क्या है। तो 982 लड़कियां जन्म लेती है 1000 शिशुओं पर, बच्चों पर। सातवां स्थान आता है लिंगानुपात में बड़वानी का। कौन से नंबर पे आता है? सातवें नंबर पर। टॉप फोर तो आपको पता ही है। साक्षरता की बात करें तो दोस्तों साक्षरता बहुत कम है। साक्षरता में देखिए आप 49.08%, कहीं कहीं पर 49.01% भी है। मतलब कुल मिलाकर आप ओवरऑल आप मान सकते हैं 49% पर ऊपर है। 48वें नंबर पर प्रदेश में 52 जिलों में 48वें नंबर पर आता है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऊपर से अर्थात लास्ट पीछे से टॉप पे आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ का साक्षरता, कुल साक्षरता प्रतिशत बड़वानी जिले का कम है। अगर देखा जाए सबसे कम साक्षर जिला तो वो अलीराजपुर है। नदियों की अगर बात करें तो नदियां भाई, नर्मदा नदी 16 जिले आप गिन लेना, नर्मदा नदी का नाम आता है। नर्मदा नदी और साथ में एक और आती है नर्मदा की सहायक गोई। समझ में आ रहा है? नर्मदा की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? गोई नदी। भाषा एवं बोलियों की बात की जाए तो बड़वानी जिले में भाषा में बात करो तो हिंदी बोली जाती है और साथ ही साथ में निमाड़ का क्षेत्र है तो निमाड़ी। तो भाषा एवं बोलियां, तो भाषा में हिंदी बोली जाती है, बोलियों में निमाड़ी और निमाड़ी के साथ साथ आदिवासी भाषा बोली भी बोली जाती है। जैसे आप भीली बोली भी देख सकते हैं, भील जनजाति भी निवास करती है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मेला आयोजित होता है भगोरिया का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हिंदी, निमाड़ी और आदिवासी बोली एवं भाषाएं बड़वानी जिले में बोली जाती है। प्राचीन नाम, अब इसे यहाँ से समझिएगा, प्राचीन नाम है बड़नगर और सिद्धनगर। भाई साहब बहुत अच्छे से समझिएगा, पूछ ले जाता है किस जिले का प्राचीन नाम बड़नगर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पटवारी की परीक्षा 2017 में बड़वानी से प्रश्न पूछा गया है कि निमाड़ का पेरिस किसे कहते हैं, तो उत्तर बड़वानी निकला था। याद रखना, तो बड़नगर और सिद्धनगर इसका पुराना नाम है। अब इसका नाम बड़नगर क्यों है ये बस आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसका नाम बड़नगर कैसे है। उपनाम, उपनाम मतलब इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बड़वानी को कहा जाता है निमाड़ का पेरिस। और यही प्रश्न है पटवारी एग्जाम 2017 का। समझ में आया? निमाड़ का पेरिस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बड़वानी को। एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स अर्थात अजेजा अनुसूचित जनजाति के निवास स्थान या जनसंख्या के आधार पर, अर्थात एसटी जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या का निवास स्थान धार जिला है। धार जिले के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा निवास है कहां पर? वो एसटी का है बड़वानी में। तो बड़वानी जिला एसटी जनसंख्या के निवास में दूसरा और प्रतिशत के आधार पर तीसरा, दोनों में अंतर है मेरे भाई। फिर से सुनना, बड़वानी जिले में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर एसटी जनसंख्या निवास करती है। तो पहले पर कौन, तो उत्तर देना धार। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या धार में, दूसरे पर बड़वानी में। अब प्रश्न बदला, प्रतिशत में बाय परसेंटेज सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशत में अलीराजपुर 89%, फिर होगा झाबुआ और तीसरा होगा बड़वानी। तो प्रतिशत में तीसरा बड़ा जिला एसटी की जनसंख्या में और एसटी जनसंख्या में दूसरा बड़ा जिला, समझ में आया, बड़वानी जिला। पपीता एवं कपास पैदावार हेतु प्रसिद्ध है जिला, आपने नाम सुना होगा अंजड़ का, तहसील है ये अंजड़ तहसील है। अंजड़ हुआ, सेंधवा तहसील हुआ, इनमें कपास मंडियां भी है।
अंजड़ एवं सिंधवा में कपास मंडिया भी है और ये बड़ा प्रसिद्ध है कपास उत्पादन के लिए। सुनहरा जिला में तीसरे नंबर पर आप इसे रख सकते हैं। पश्चिम निमाड़ का हिस्सा है और पपीता, कपास तो आपको याद होगा, पपीता उत्पादन में भी बड़वानी जिला प्रसिद्ध है, या यूं कह सकते हैं पपीता उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी जिला होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग, अब यहां से जो प्रश्न बता रहा हूं ये पीएससी अभी 2020 में पूछा है, जनवरी 12 जनवरी 2020 की परीक्षा में। अब समझना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग अखदानी श्रेणी बड़वानी में है। मैंने क्या कहा, ये यहां मेकार पर्वत श्रेणी से लेकर यहां तक, इधर चौड़ाई इधर कम चौड़ाई, ये जो बड़वानी जिला आपको दिख रहा है यहाँ की अगर बात करूं तो इस सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है, उस हिस्से को कहते हैं अखदानी श्रेणी। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप अंडरलाइन करने चाहे तो, अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा श्रेणी, पहले तो प्रश्न ये पूछेगा कि अखदानी श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, विंध्य पर्वत श्रेणी का, अरावली का, सतपुड़ा का या मेकाल का, तब उत्तर दीजिएगा पश्चिमी सतपुड़ा का। अखदानी श्रेणी वो भी कहां पर है, बड़वानी में। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पश्चिमी सतपुड़ा मतलब कि ये पूर्व से ये पश्चिमी सतपुड़ा, यहां पर कम चौड़ाई, ये पश्चिमी सतपुड़ा को बड़वानी की पहाड़ी कहते हैं और यही प्रश्न पूछा है पीएससी में। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बड़वानी की जो पहाड़ी है, कभी ये ना आए तो आपको विकल्प हो सकता है राजपिपला की पहाड़ी। कौन सा हो सकता है मेरे दोस्त, राजपिपला की पहाड़ी। तो याद रखिएगा बड़वानी की पहाड़ी क्या है, प्रश्न था पीएससी 2020 में कि जो सतपुड़ा का पश्चिमी हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है, महादेव पर्वत श्रेणी, मेकाल पर्वत श्रेणी, बड़वानी पहाड़ी, तो क्या है, बड़वानी की पहाड़ी और अखदानी श्रेणी। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व बड़वानी, स्वतंत्रता आजादी से पहले बड़वानी रियासत पर राणा वंश का शासन था, बड़वानी एक रियासत थी अर्थात बड़वानी उस रियासत की राजधानी मानो, राणा वंश का शासन था। चट्टानी इलाकों एवं कम उत्पादक भूमि, चट्टानी क्षेत्र होने के कारण, और इसका जैसे जैसे पश्चिम में जाओगे ये और पीक पॉइंट पे और ऊंचाई होती जाती है, और चट्टानी इलाकों में कम उत्पादक, उत्पादन कम यहाँ पर होने के कारण यह अंग्रेजों मुगलों एवं मराठाओं के शासन से बचा रहा। अर्थात आप देखते होंगे कि बुरहानपुर लुटाया, समझ में आ रहा ना, बुरहानपुर पे चला और बहुत सारे जिले हुए, ग्वालियर हुआ, इंदौर भी हुआ, धार हुआ, मंदसौर हुआ, लेकिन अगर बात की जाए तो चट्टानी इलाके में कम उत्पादक भूमि होने के कारण बड़वानी जिला अंग्रेजों से, मराठाओं से और मुगलों के शासन से बचा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़वानी का नाम। अब यहां पर देखो प्रश्न आ गया भाई साहब मेरे कि बड़वानी का नाम बड़वानी कैसे पड़ा, तो ध्यान से सुनना, बड़, अब गांव बोलते हैं ना बड़, मतलब बड़ का पेड़, मतलब हमारे यहां पर बोलते हैं बड़ ही बोलते हैं, बड़ मतलब होता है बरगद, बरगद का पेड़। अब याद रखना बरगद वृक्ष में आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर चाहिए और हर बच्चे को उत्तर आना चाहिए, बहुत इजी है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ मेरी सीरीज में। मुझे बताओ मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, ये राजकीय वृक्ष बरगद कब घोषित किया गया था, मुझे वो तारीख और मुझे वो सन आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं एक एक बच्चे के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे लिखकर बताएं कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद कब घोषित किया गया था। तो देखिए बड़वानी के नाम की उत्पत्ति बड़, बड़ अर्थात बरगद के वनों की अधिकता के कारण हुई, यहाँ पर वनों की अधिकता थी बरगद के, जैसे कहते हैं ना खरगोन का, कहते हैं कि सर ये यहाँ पर नीम के पेड़ ज्यादा थे तो निमाड़ क्षेत्र था। अब वानी जो है ना, बड़ मतलब तो हो गया बरगद, ये वानी का शब्द का अर्थ होता है बगीचा, ये लिख दिया मैंने, देखो वानी शब्द का अर्थ होता है बगीचा, अर्थात बड़ मतलब बरगद, वानी मतलब बगीचा अर्थात वन, बड़ के जो वन थे उसकी अधिकता के कारण इसका नाम रखा गया क्या, बड़वानी। आगे देखेंगे प्रदेश का औसतन सर्वाधिक तापमान, यहां जिसने ध्यान नहीं दिया वो मेरी गलती निकालेगा या तो खुद गलत करके आएगा। देखो प्रदेश का औसतन सर्वाधिक तापमान बड़वानी जिले में दर्ज किया जाता है, औसतन 45.8 डिग्री सेल्सियस, 45.8 डिग्री सेल्सियस बड़वानी का तापमान है, औसतन तापमान में बड़वानी सर्वाधिक है। मतलब समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़वानी ऐसी जगह है जहां आज तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा तापमान किसी एक स्थान पर हो सकता है, लेकिन ये बड़वानी जिला जो है ये एक ऐसी जगह है जो लगातार तपन में रहता है, ये लगातार तपता है, इसकी रोज की जो दैनिक तापमान होता है वो उच्च होता है। समझ में आ रहा है, तो एवरेज नापा गया तो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही गर्मी होती है बड़वानी जिले में। अब समझना दूसरी चीज, 1995 टू 2018 और 19 1995 में पहली बार,
विदिशा जिले का गंजबासोदा 1995 में पहली बार विदिशा का गंजबासोदा में सर्वाधिक तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस 48.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिसे 2018 तक मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कहा जाता था। मैं बता दूं आपको, 2012 तक की जो ऑफलाइन एग्जाम्स होती थी उसके बाद 2018 से पहले तक की, तब जब भी प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश का सबसे गर्म स्थान, उत्तर होता था गंजबासोदा। लेकिन मेरे दोस्त 2019 में जिला छतरपुर का नौगांव, ये लिखा हुआ है 2019 में नौगांव अर्थात छतरपुर जिले का नौगांव 2019 में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया और तापमान था 1 डिग्री ज्यादा अर्थात 49 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं यूं कहूं कि नए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का सबसे गर्म स्थान तो वो है छतरपुर जिला, जगह है नौगांव, तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है 2019 के बाद से। अगर देश की बात करूं तो बात है 1967 की बात है, वहां पर श्री गंगानगर ये जिला है राजस्थान का, वहां पर 1967 में भारत का सबसे गर्म स्थान निकाला गया था और सबसे उच्च तापमान था 54 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो भारत का सबसे गर्म स्थान निकाला गया श्री गंगानगर जिला राजस्थान में। प्रदेश का औसतन सबसे गर्म जिला बड़वानी 45.8 डिग्री सेल्सियस, 1995 से 2018-19 तक गंजबासोदा विदिशा, वर्तमान में है छतरपुर जिले का नौगांव 49 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, ये मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नाम भी लिखा है जिले का और बाकी जानकारी से आगे हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, बड़वानी जिले की दो तहसीलें अंजड़ एवं सेंधवा, सुना ही होगा आपने नाम, अभी मैंने बताया था ये ऊपर की साइड अंजड़ है और नीचे की साइड सेंधवा है। अंजड़ एवं सेंधवा में कपास की मंडियां है। यूं तो कपास की मंडियां अन्यत्र सभी जगहों पर छोटी मोटी होती है, क्योंकि जब जिस खेती का या जिस फसल का उत्पादक जिला होता है तो वहां पर ऐसी चीजें मंडियां होती है, लेकिन अंजड़ एवं सेंधवा को विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। सेंधवा चेक पोस्ट की बात करें, देखना मेरे दोस्त याद रखिएगा, सेंधवा चेक पोस्ट अर्थात सड़क मार्ग, यहाँ पर रेल परिवहन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्थात बड़वानी जिले के लिए रेल की सबसे अगर पास की अगर जगह ढूंढेंगे तो 150 किलोमीटर इंदौर, 180-150 किलोमीटर में खंडवा पहले ही जाना होगा। सेंधवा चेक पोस्ट जो सड़क मार्ग है जहाँ से NH3, NH6 वगैरह निकलते हैं, वो जो जगह है उस चेक पोस्ट को ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था खरगोन में भी कि सेंधवा चेक पोस्ट से सबसे ज्यादा सड़क परिवहन विभाग को, मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन को सबसे ज्यादा रिवेन्यू अर्थात राजस्व अर्थात पैसे की प्राप्ति सबसे ज्यादा सेंधवा चेक पोस्ट से होती है। तो ये अंडरलाइन कर ले और लिख ले और बहुत अच्छे से याद रखे कि मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को सबसे ज्यादा राजस्व, सबसे ज्यादा रिवेन्यू किस चेक पोस्ट से मिलता है, तो मिलता है सेंधवा चेक पोस्ट से महाराष्ट्र की बाउंड्री पर, है ना। और याद रखेगा सेंधवा ही जो है वो बड़वानी जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। स्वयं बड़वानी जिले की बात नहीं कर रहा, बड़वानी तहसील की, सेंधवा तहसील जो है बड़वानी जिले की, सेंधवा तहसील सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है बड़वानी जिले में। अंजड़ की बात करें तो वापस मैंने क्या कहा था, कपास की वहां पर मंडियां हैं। अंजड़ में संजय कॉटन फैब्रिक एक कारखाना है जो कि सबसे बड़ा कारखाना है बड़वानी जिले में। और दूसरी तरफ बात करें तो सेंधवा में भी कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज है, अर्थात इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कपास की फसल भी होती है और कपास के यहाँ पर कारखाने भी है, जिनिंग फैक्ट्रीज भी है। घटवा सुगर मिल एक सुगर अर्थात शकर कारखाना, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे पढ़ाऊंगा, जावरा में पहला पढ़ाऊंगा, बरलाई सुगर मिल सबसे बड़ा पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पर याद रखिएगा बड़वानी में कौन सा है, बड़वानी में है घटवा सुगर मिल। दोस्तों खरगोन में एक सुगर मिल है वो छूट गई थी, अंडरलाइन करना और लिख लेना खरगोन में, जवाहर सुगर मिल, जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहर सुगर मिल कहां पर है, खरगोन में है। और एक और प्रश्न यहीं पर सुनिए, खरगोन से फिर आइए खंडवा पर, पहला देश का पहला कोरकू जनजाति का रेडियो स्टेशन, फिर से सुनना, देश का पहला कोरकू जनजाति का रेडियो स्टेशन वो मिलेगा आपको खंडवा जिले में। सुनना मेरे दोस्त, कोरकू जनजाति का रेडियो स्टेशन खंडवा में, और बेगा जनजाति का रेडियो स्टेशन मिलेगा आपको मंडला में, और भील जनजाति का मिलेगा आपको झाबुआ में, याद रहेगा।
अब इधर देखेंगे धान अनुसंधान केंद्र, हमने बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स की बात की, हमने केला अनुसंधान केंद्र की बात की है, शुगर अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे हम, और उस तरह से याद रखिएगा धान अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में। सौंफ जानते हैं मेरे दोस्त, सौंफ जो खाने की आती है, अमूमन चाय के बाद में हम सौंफ का सौंफ खाते हैं, वो सौंफ की एकमात्र मंडी बड़वानी में है। सौंफ की एकमात्र मंडी कहाँ पर है, बड़वानी में। हम बहुत सारी मंडियों के बारे में पढ़ेंगे कि एकमात्र रेशम मंडी कहाँ पर है, कपास की मंडी कहाँ पर है, हमने मिर्च मंडी के बारे में पढ़ा था, समझ में आ रहा है मेरा दोस्त। तो सौंफ की एकमात्र मंडी बड़वानी जिले में है, मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में सौंफ की एकमात्र मंडी है। प्रश्न बड़ा सरल है लेकिन मुश्किल हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से सबसे सर्वाधिक प्रभावित जिला, जब जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट एक्सचेंज होता है, तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कोई जिला है जिससे जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट एक्सचेंज का फर्क पड़ता है, तो बड़वानी जिला है। कितना इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है मेरे नजरिए से कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो उत्तर देना बड़वानी जिला। पचपुला गांव, एक गांव है पचपुला गांव में, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है गोई नदी, नर्मदा की सहायक नदी, नदियों में हमने पढ़ा गोई नदी, वो गोई नदी पर एक परियोजना है, लोअर गोई परियोजना। कौन सी है, लोअर गोई परियोजना। तो प्रश्न सीधा सिंपल है, लोअर गोई परियोजना किस जिले में है, तो उत्तर देना बड़वानी। किस नदी पर है, तो गोई नदी पर है। आगे है राजपुर तहसील, हमने पढ़ा था राजपुर तहसील से, आपको याद होगा कि अभी बाला बच्चन जो कि कमलनाथ जी की सरकार में गृह मंत्री रहे थे, बाला बच्चन साहब, वो यहीं से है, राजपुर से। तो बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के एक गांव है जिसका नाम है नागलवाड़ी। हाँ, कहीं कहीं जगह पर इसे भिलटवाड़ी भी कहते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो इसे भिलटवाड़ी के नाम से जानते हैं। उसका एक कारण है, राजपुर तहसील के नागलवाड़ी गाँव अर्थात भी जो है भिलटवाड़ी गाँव में एक बहुत ही बढ़िया सा मंदिर बना है, वो मंदिर है भिलट देव मंदिर। उस भिलटदेव मंदिर पर हर साल नाग पंचमी पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, दूर दराज से लोग आते हैं। निमाड़ी साहित्य का इतिहास, अंडरलाइन कर लो जितने भी निमाड़ के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि निमाड़ के ही, जो भी मध्य प्रदेश की परीक्षा देना चाहते हैं उसमें पूछा ही जाएगा कि किताब है निमाड़ी साहित्य का इतिहास, एमपी जीके में पूछ ले निमाड़ को क्षेत्र को लेकर, या फिर हिंदी से पूछ ले, ऐसा ही में तो जरूरी है। निमाड़ साहित्य का इतिहास ये किताब लिखी है श्री राम परिहार, समझ में आ रहा है, हिंदी लेखक श्री राम परिहार ने किताब लिखी जिसका नाम क्या है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। अब आइए पर्यटन की बात करते हैं। बड़वानी जिले में सबसे बढ़िया जगह है पर्यटन के क्षेत्र में, बावन गजा जैन तीर्थस्थल। मैं पूरा बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको ऐसा ही याद रखना है, बावन गजा जैन तीर्थस्थल। बोलो दोस्त, ऐसे बोलना है, बावन गजा जैन तीर्थस्थल। उसका रीजन है, प्रश्न सीधा सा है कि बावन गजा, बड़वानी में बावन गजा कौन से धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है, जैन बौद्ध, समझ में आ रहा है ना, पारसी, तो ऐसे याद रखना। बावन गजा जैन तीर्थस्थल याद रखिएगा, जो है यहाँ पर भगवान ऋषभ देव। अब आप सोच रहे होंगे सर आदिनाथ, हाँ कोई बात नहीं दोस्त, ऋषभ देव का ही नाम आदिनाथ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, उन 24 तीर्थकर में से पहले तीर्थकर ऋषभ देव को ही कहते हैं आदिनाथ, और उन्हीं आदिनाथ की 84 फीट ऊंची, कहीं कहीं पर आपको 72 भी देता है, गलत, 84 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है। ध्यान से सुनना, ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, 24 में से प्रथम तीर्थकर की 84 फीट ऊंची एक प्रतिमा है, और ऋषभ देव को ही कहते हैं आदिनाथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनना, ये है बावन गज में, तो इसे कहते हैं बावन गजा। ये बड़वानी जो मुख्य शहर है, बड़वानी मुख्य शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर है। यही पर याद रखना दो चीजें, यही बावन गजा नामक स्थान पर कुंभकर्ण और इंद्रजीत, आपको लग रहे होंगे रामायण के पात्र हैं, रामायण के पात्र, रामायण में तो नाम हालांकि था ही, लेकिन जैन धर्म के दो संत हुए, एक का नाम कुंभकर्ण, एक का नाम इंद्रजीत, इन दोनों को भी निर्वाण बावन गजा में मिला है। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष, याद रहेगा, जैन धर्म में मोक्ष को कहते हैं, निर्वाण शब्द से समझा जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित ऐसे 11 स्थल या 11 मंदिर मिले हैं। श्रवण बेलगोला, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक स्थान है, वो श्रवण बेलगोला में वहां पर भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा है, जिस पर हर 12 वर्ष में एक कुंभ की तरह, 12 वर्ष में कुंभ की तरह एक महामस्तकाभिषेक, ये लिखा है महामस्तकाभिषेक आयोजन होता है, जिसमें भगवान बाहुबली की प्रतिमा पर दूध दही शहद आटा मक्खन
और अन्य ऐसे बहुत सारे पंचामृत वगैरह से उनका स्नान कराया जाता है। महामस्तकाभिषेक अर्थात महान मस्त अभिषेक, मस्तक का अभिषेक होता है। वो है भगवान बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवण मेलगोला में। अब वो भगवान बाहुबली जैन धर्म के है वो कौन है, याद रखना, ये जो ऋषभ देव है ना आदिनाथ, इन्हीं के पुत्र है बाहुबली, उन्हीं के पुत्र का महामस्तका के अभिषेक होता है। तो याद रखना महामस्तकाभिषेक, इसका संबंध भी जैन धर्म से है, 12 साल में एक बार होता है। पिछला महामस्तकाभिषेक 2018 में हुआ था, अर्थात याद रखना जब जब भी कुंभ होता है उसके, मध्य प्रदेश में जब भी कुंभ लगता है उसके 2 साल बाद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे ही 12 वर्षों में लगता है, और इसी को कहते हैं जैन धर्म का कुंभ महामस्तकाभिषेक को। तीर्थगोला ऐतिहासिक स्थल, दूसरे स्थान पर आते हैं। तीर्थगोला ऐतिहासिक स्थल बड़वानी में सागर पैलेस के सामने, बड़वानी जिले में, बड़वानी तहसील में सागर पैलेस के सामने ये तीर्थगोला ऐतिहासिक स्थल है। ये राजा रणजीत सिंह के दिवंगत बेटे की स्मृति में बनाई गई जगह है। अगर पूछा जाए तीर्थगोला ऐतिहासिक स्थल कहाँ है तो उत्तर बड़वानी देकर आइएगा आप। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सरल सा प्रश्न पूछा जाता है और पूछा ही गया पिछले पेपर्स में, सेंधवा का किला। तो जिसे पता है, आप नक्शा देखा है उसको पता है सेंधवा कहाँ है, सेंधवा का किला सेंधवा में होगा, पर वो सेंधवा का किला जिले से पूछेगा, तो सेंधवा का किला जिला बड़वानी में है। सेंधवा में ही सेंधवा का किला, सेंधवा में रामगढ़ का किला, सेंधवा का किला तथा भंवरगढ़ का किला है। कौन कौन से किले हैं सेंधवा में? रामगढ़ का किला, भंवरगढ़ का किला और सेंधवा का किला। रामगढ़ का किला बड़वानी में और देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ये जो भंवरगढ़ का किला है इसे पहले बोरगढ़ भी कहते थे। क्या कहते थे? बोरगढ़। भंवरगढ़ को पहले कहते थे बोरगढ़। और यहीं पर ख्वाजा नायक, अब ये कौन है, ख्वाजा नायक की कर्म भूमि रही है। ख्वाजा नायक कौन रहा? तो ख्वाजा नायक, ख्वाजा नायक जो थे ये 1857 के क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है। निवाली, निवाली हमने पढ़ा है, बड़वानी जिले की एक तहसील है। निवाली के समीप पांडवकालीन मंदिर बना हुआ है, तो शिव मंदिर है, याद रखिएगा पांडवकालीन शिव मंदिर। अगर ये पूछे कि बड़वानी में पांडव के काल का एक शिव मंदिर कहाँ पर है, तो निवाली तहसील के समीप है। सांवरिया सेठ का मंदिर, ये सांवरिया सेठ का मंदिर बड़वानी से कुक्षी मार्ग, कुक्षी मतलब धार, बड़वानी से लगा हुआ है धार, बड़वानी से कुक्षी मार्ग पर बना हुआ है सांवरिया सेठ का मंदिर। सेंधवा का विजासन माता मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। यूं तो याद रखना अंजड़ में भी बहुत सारे मंदिर है, अंजड़ को हम यूं कहें बड़वानी का मंदिरों का शहर भी कह सकते हैं, वहाँ छोटे मोटे कई प्रकार के मंदिर है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो क्या है, सेंधवा का विजासन माता मंदिर। मोती माता मंदिर, विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ जो है दोस्तों शहीदों की स्मृति में स्मारक के तौर पर है, विजय स्तंभ। शहीद भीमा नायक की गढ़ी, शहीद भीमा नायक की गढ़ी भीमा नायक की स्मृति में, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी भीमा नायक के बारे में। और बंधन जलप्रपात, और वहीं पर बना है शिव मंदिर। तो बंधन जलप्रपात और लोअर गोई परियोजना ये दोनों बड़वानी जिले में है। बंधन जलप्रपात को भूलना नहीं मेरे दोस्त, रीजन है कि ये पूछा गया है पिछली परीक्षा में। आप जब पिछले परीक्षा में सेट पेपर लगाओगे तो आपको सब आंखें खुल जाएगी कैसा पूछता है। बंधन जलप्रपात बड़वानी में और वहीं पर एक शिव मंदिर बना हुआ है। अगला है जलगोन बावड़ी, कौन सी जलगोन बावड़ी, बावड़ी मतलब एक तालाब की तरह छोटा गड्ढा जिसे सीमेंट से निर्मित किया जाता है। एवं ग्वाल बेड़ा, याद रखना ग्वाल बेड़ा है, कहीं कहीं पर ग्वाल बेल लिखा हुआ है, इको पर्यटन केंद्र, ग्वाल बेड़ा एंड ग्वाल बेल इको पर्यटन केंद्र। आपने एक नाम सुना होगा जैन धर्म का बड़ा प्रमुख तीर्थ स्थल है चूलगिरी, जो है जयपुर आगरा मार्ग पर राजस्थान जयपुर में चूलगिरी, वो जो है बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही अच्छा स्थल माना जाता है जैन धर्म का, तो उसकी तुलना 52 गजा से की जाती है। तो चूलगिरी भी पूछे कि चूलगिरी कहाँ पर है, चूलगिरी को पर्यटन केंद्र कहा है, जैन धर्म तीर्थ स्थल चूलगिरी, तो उसका उत्तर भी होगा आपका बड़वानी, ठीक है मेरे दोस्त। ये जितनी चीज आपने पढ़ी है इसे आप एक बार देख ले आराम से और समझ ले, जो राजपुर तहसील का नागलबाड़ी पढ़ा है उसका पुराना नाम जो था शिखर धाम था, क्या नाम था, शिखर धाम, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले। अंतिम चीज बची है बहुत ही महत्वपूर्ण, भीमा नायक, अनिल काकोडकर और संत सिंगा जी की जन्म स्थली, उसे और पढ़ना है 2 मिनट में, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं बड़वानी जिले की महान और शानदार हस्तियों के बारे में। सबसे पहला है संत सिंगा जी, निर्गुणी संत, संत सिंगा जी के बारे में आपने खरगोन में सुना, खंडवा में सुना, आप अचरज कर रहे होंगे कि इसे पूरे निमाड़ में पढ़ना है। हाँ भाई, निमाड़ का तो संत है ही, लेकिन समाधि खंडवा में है, मेला इनका जो शुरुआत हुई थी वो खरगोन से, पिपलिया खुर्द से, लेकिन इनका जन्म मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ शख्सियत का, इन संत का, संत सिंगा जी का जन्म 1571 में, 1571 में खजूरी ग्राम जिला बड़वानी में हुआ था।
1571 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मुगल काल चल रहा था, और मुगल काल में उस समय पर अकबर का शासन था। तो हम कह सकते हैं संत सिंगाजी किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ये अकबर के समकालीन थे। और याद रखिएगा, ये कबीर के समकालीन थे, तो उत्तर ये भी बनता है कि कबीर जो था वो अकबर का समकालीन था। तो कबीर और संत सिंगाजी अकबर के समकालीन थे। ग्राम खजूरी में इनका जन्म हुआ था, संत सिंगाजी का। हाँ, इनकी रचनाओं में एक थोड़ा सा नजर डालते हैं तो याद रखिएगा, सांख्या, बारहमासी, 15 तिथि, नरद शरद, ऐसे साथ में बोला जाता, अलग अलग है पर साथ में बोला जाता, नरद शरद इनकी रचना है। सबसे इंपोर्टेंट है, मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया है उसे, सात वर। कौन सी सात वर? क्योंकि निमाड़ के संत संत सिंगाजी ने एक किताब लिखी, एक रचना है उनकी सात वर, वो निमाड़ी बोली में है। ये अलग है, ये निमाड़ी बोलियों में नहीं है, बाकी सब एकमात्र है सात वर जो निमाड़ी बोली में लिखी गई। तो प्रश्न तो भाई बहुत अच्छा है कि संत सिंगाजी, निमाड़ के जो संत है, संत सिंगाजी की कौन सी रचना निमाड़ी भाषा में, निमाड़ी बोली में लिखी गई है। ये सब विकल्प हो सकते हैं, उत्तर सातवर होगा। भीमानायक, आदिवासी जननायक और पूजनीय भीमानायक, शहीद भीमानायक की जन्म स्थली है, उनके गांव का नाम है धाबा बावड़ी। क्या नाम है? धाबा बावड़ी। बड़वानी जिला, भीमानायक की जन्म स्थली है, उनके गांव का नाम है धाबा बावड़ी। भीमानायक की गढ़ी भी मैंने आपको बताया है, बड़वानी में है। साथ याद रखिएगा, शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिसे स्नातकोत्तर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने जानबूझकर बोला है क्योंकि आपको ये हिंदी में काम आएगा। जो आपका होता है ना यूजी, अर्थात जो आपकी फाइनल तक का होता है, वो होता है स्नातक। स्नातक आप जब फाइनल कर लेते हैं तो वो होता है स्नातक। जब आप पीजी करते हैं, जब आप पीजी करते हैं, जिसे कहते हैं मास्टर डिग्री, तो वो होता है स्नातकोत्तर। तो ये पूरा अगर अंग्रेजी में समझो तो होगा शहीद भीमानायक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। समझ में आ रहा है ये कहाँ पर है? बड़वानी में। मोस्ट इंपोर्टेंट एक व्यक्ति है अनिल काकोडकर। ये दो तो हमारे बीच में नहीं है, अनिल काकोडकर को देखिए। अनिल काकोडकर की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ। अनिल काकोडकर को मध्य प्रदेश का साइंस मैन या विज्ञान पुरुष कहा जाता है। भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष, साइंस मैन किसे कहते हैं? साइंस मैन अर्थात विज्ञान पुरुष अनिल काकोडकर को कहा जाता है। क्यों? 11 नवंबर 1943 को बड़वानी में जन्म लेने वाले अनिल काकोडकर पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। हिंदी में बोलूं तो यांत्रिक अभियंता, हिंदी में कहे मैकेनिकल इंजीनियर को तो यांत्रिक अभियंता है। क्या है? तो 2009 तक भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग, अर्थात जो आपका एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, उस विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं एवं ऊर्जा विभाग के ही सचिव रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं ये एनर्जी डिपार्टमेंट के। 1996 से 2000 तक बार्क मुंबई के डायरेक्टर रहे हैं और पोखरण 2 में सक्रिय रहे हैं। ये बार्क जो है ना, इसका मतलब क्या होता है भाई? आपने नाम सुना होगा भाभा अनुसंधान केंद्र। समझ में आ रहा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो वही ये भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर। ये कहां पर? इसका मुख्यालय मुंबई। इसके डायरेक्टर रहे हैं और आपको याद होगा 1998 में पोखरण 2 हुआ था अटल जी के समय, उसमें भी सक्रिय रहे थे। कौन? अनिल काकोडकर। समझ में आ रहा है काम किया था इन्होंने। ये आरबीआई के निर्देशक भी रहे हैं, आरबीआई के निदेशक भी रहे हैं। साथ ही साथ में आपको याद रखना है पद्मश्री, अर्थात पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। लेकिन इन्हें पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, याद रखना इन्हें 3 पद्म पुरस्कार मिले हैं। 1998 में इन्हें पद्मश्री मिला, 1999 में इन्हें पद्म भूषण मिला और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ से निकालिएगा, डॉक्टर मोहन धारिया राष्ट्र निर्माण पुरस्कार, डॉक्टर मोहन धारिया के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना 2019 करंट में, 2019 में डॉक्टर मोहन धारिया राष्ट्र निर्माण पुरस्कार 2019 अनिल काकोडकर को ही दिया गया है, अर्थात 3 पद्म पुरस्कार और अनिल का जो मोहन धारिया राष्ट्र निर्माण पुरस्कार से सम्मानित है। कौन? अनिल काकोडकर। इनका जन्म हुआ बड़वानी जिले में, जन्म हुआ 11 नवंबर को और 11 नवंबर की तारीख एक कारण से और जानी जाती है। याद रखना भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, स्वतंत्र प्रभाव भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, जो नाम है उनका मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था, तो भारत देश 11 नवंबर 11th ऑफ नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है, नॉट शिक्षक दिवस। समझ में आ रहा है? एजुकेशन डे है ना कि टीचर्स डे। टीचर्स डे तो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर मनाया जाता है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कभी भी प्रश्न आएगा, दिवस से प्रश्न आते हैं और मैं पढ़ाऊंगा भी दिवस,
अगर पूछे शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर, लेकिन पूछे शिक्षा दिवस तो 5 सितंबर नहीं, 11 नवंबर, इनके जन्मदिवस पर नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस पर। तो याद रखिएगा, ये 3 प्रमुख खास हस्तियां हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना था। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला जिला, आदिवासी जिला अलीराजपुर जिला। तो जो भी बच्चे अलीराजपुर जिले से हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने अलीराजपुर जिले के बारे में जो आपको याद हो वो जरूर सेंड करें। आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी भी याद हो, जो सबको पता भी है फिर भी आपको भी पता है, तो आप सेंड करें। जितने भी अलीराजपुर के बच्चे हैं या दूसरे जिले के भी बच्चे हैं, जिन्हें सब कुछ, जो भी जिस जिले से, उन्हें अगर अलीराजपुर के बारे में एक भी प्रश्न पता है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्लीज कमेंट्स करें, अलीराजपुर जिले के बारे, अलीराजपुर की जानकारी शेयर करें। मिलता हूं मैं अलीराजपुर जिले के साथ, बने रहिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।